कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे और अपने अपने लाइफ्स को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे एक डिफरेंट इन्वायरमेंट और मैं हूँ किसी के घर में। बहुत ही खूबसूरत घर है, परसों से हम लोग यहाँ हैं और लाहौर में ही हैं हम लोग। हम लोग कल जो है इधर से ही घूमने फिरने गए, फैमिली तो नहीं फ्रेंड्स कह सकते हैं, उनके साथ गए थे और यहाँ से ही गए थे, फिर वापस भी हम यहीं पे आए हैं। अभी कल का दिन हम लोग और रहेंगे यहाँ पे। अभी ये मॉर्निंग टाइम है तो मैं उठ गई हूँ और मैंने सोचा कि जहाँ मैं आई हूँ वहाँ पे रूटीन आपके साथ जो है वो शेयर करूँ। तो कोई भी चीज़ हो जो मैंने आपके साथ शेयर ना की हो तो मेरे दिल में गुदगुदी होती रहती है, तो इसलिए मैंने आपके साथ हर चीज़ शेयर करनी होती है। तो वीडियो की तरफ आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। और अभी मैं आपको ये जो रूम हमारे रिलेटिव्स ने हमें दिया हुआ है वो आपको दिखाती हूँ कि कैसा रूम है और कैसे उन्होंने हमें एक सेपरेट ही रूम दे दिया हुआ है। हम लोग जाते हैं नीचे, अभी तो वो नीचे हैं, हम लोग ऊपर हैं। हम लोग अभी जाएंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह उनके साथ ही करेंगे और असल में फैमिली इश्यूज हैं उनको, वो कैमरे पे नहीं आ सकते इसलिए मुझे अकेले वीडियो बनानी पड़ेगी। लेकिन मैं रूम, बाहर का एनवायरनमेंट, छत और पीछे ये कॉरिडोर वगैरह और बाहर जो टीवी लाउंज वगैरह वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी तो मैं सोई उठी हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ। आज मुझे फीवर, फ्लू, कफ हल्की सी और कल जो है ना बहुत ज़्यादा असल में डिस्टर्ब रहे। एकदम से हमारा पैकेजेस का प्लान बन गया, वीडियो मेरी कोई भी नहीं बन पाई। लंदन ही जाऊँगा देख ली मैंने और उस पर उसके सीन्स वगैरह तो मैं नहीं लगा सकी। मेरे ख्याल में कोशिश करूँगी शायद दूसरे कैमरे में हूँ, हल्के हल्के से सीन्स अगर हुए तो वो आप देख लीजिएगा उसमें। अगर ना हुए तो मैं बता दूं कि ठीक थी, अच्छी थी। मतलब ये कि हमने कोई तमगे तो देने नहीं होते वीडियोस को, हमने देखनी होती है जस्ट अपनी इंटरटेनमेंट के लिए, तो वाकई इंटरटेनिंग थी। स्टोरी वगैरह तो होती नहीं हमारी पाकिस्तानी मूवीज़ की तो, लेकिन नॉट बैड। तो यहाँ पे मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। मैं सोच रही थी कि बैक कैमरे से दिखाऊँ लेकिन यहाँ मेरी फैमिली काफ़ी कम्फर्टेबल हो के अपने आप को टांगे टूंगे पसार पसूर के लेटी हुई है। तो ऐसे लेटे हुए हैं जैसे पता नहीं कोई फंक्शन अटेंड कर करके थके नहीं होते, कोई होम फंक्शन होता है, कोई शादी होती है किसी की तो बंदा ऐसे थका सा होता है। तो वो जितना मर्जी कंफर्टेबल हो आप कहीं पे, लेकिन जो आप अपने घर में एक रिलैक्सेशन फील करते हो ना वो आप कहीं नहीं कर पाते। अब इधर सब कुछ है, एसी भी है, सब कुछ है, हर दुनिया की सहूलत है यहाँ पे, लेकिन एक वो बॉडी में जैसे वो थकावट टाइप ऑफ, यू नो, समझ तो रहे होंगे फ्रेंड्स। यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरे पीछे लगी हुई LCD और ये मेरे पीछे कर्टन्स हैं। अगर मैं इनको पीछे करूँ तो शायद आप पीछे का एनवायरनमेंट ना देख सकें, लेकिन ये पीछे आप बाहर देखें। अभी सुबह सुबह का टाइम है, इतना सुबह का भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है ना लाहौर में वो वेदर वगैरह जो है ना, ये बड़ा खूबसूरत प्लांट सॉरी ये मेरा हाथ आ गया है, इसको इधर से कट करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, उसके बाद ये 2 सीटर्स सोफ़ा पड़े हुए हैं, ये यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये और ये मेरे बेबी का बॉल ब्लू कलर का। उसके बाद फ्रेंड्स ये है वार्डरोब, बहुत ही खूबसूरत वार्डरोब है, सिंगल है। इसके अंदर मैं हमने अपना जो है सामान वगैरह सारा रख लिया हुआ है। वो हमारे रिलेटिव्स कहते हैं कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप अपना एक अलग से ही, आपको ऐसा ना लगे बिल्कुल भी कि आप कहीं मतलब गैर जगह पे आए हुए हो या कुछ इस तरह। तो वो जैसे होता है ना होटल में, होटल्स वगैरह का होता है कि बिल्कुल घर जैसा माहौल, तो उस तरह हमारे रिलेटिव्स ने बिल्कुल घर जैसा माहौल हमें दिया हुआ है। उसके अलावा ये 2 सीटर सोफ़ा और एक ये सिंगल सोफ़ा, और ये 2 सोफ़े जो हैं ये सिंगल है। उसके बाद ये टेबल है खूबसूरत सा नज़र आ रहा है, हाँ। और ये मेरे बेबी की स्टॉलर है। पीछे कोई मुझे कुछ कहना चाह रहा है, ये मेरा हाथ आ रहा है, मुझे ना समझ में नहीं आ रहा। मैं असल में बैक कैमरा नहीं करना चाह रही, ये स्टॉलर है, ये साइड टेबल है एज यूजुअल, और ये मेरे बेटे की फीडर कलेक्शन। तो फ्रेंड्स मैं पीछे पहले पूछ लूँ कि मुझे कोई क्या कहना चाह रहा है तो फिर मैं पूछ के तो वीडियो कंटिन्यू करती हूँ जी। तो फ्रेंड्स ये लाइट्स यहाँ पे ज़रा कम हो गई है, ये मैं आपको बैठ दिखा देती हूँ।
इस बेड पे हम लोग सोए थे रात में ना, और आज भी हम लोग यहीं पे ही हैं। बाकी आपके साथ शेयर करते हैं, मूड हमारा बन रहा था कि हम लोग जो है वो जाएं कहीं पे, मतलब किसी मॉल वगैरह में आज फिर चले जाएं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो अब प्लान फ़िलहाल बाहर का नहीं है आज। तो अब चलते हैं हम लोग नीचे, ब्रेकफास्ट करते हैं। आपको चेक करती हूँ, अगर बाहर कोई फैमिली मेम्बर नहीं है इस तक तो आपको डाइनिंग का विज़िट करवा देती हूँ। डाइनिंग टेबल पड़ा, चेयर्स वगैरह बाकी नीचे लगी हुई हैं, वो ज़्यादातर नीचे ही यूज़ करते हैं, और ऊपर का पोर्शन उन्होंने गेस्ट के लिए रखा हुआ। तो उसके अलावा बाहर आपको छत भी दिखा देती हूँ, छत से बड़ा अच्छा व्यू आता है, प्लांट्स वगैरह हैं और नीचे गैराज है, उसके अलावा गार्डन है, बहुत खूबसूरत है, सब कुछ बहुत खूबसूरत बना हुआ है। तो अल्लाह पाक सबको दे, अल्लाह पाक हमें भी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो खुश होना चाहिए, हम लोग खुश होते हैं लोगों की चीज़ें देख के, तो शायद अल्लाह इसीलिए हमसे खुश है। तो अब चलते हैं बाहर फ्रेंड्स, अब चलते हैं बाहर। और ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये है डाइनिंग हॉल, ये नीचे इधर से हम लोग सीढ़ियों से नीचे जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बाहर का नज़ारे देखने के लिए, इससे पहले जो है ना, मैं एक ये रूम है, एक ये हमारे रूम के साथ रूम है, ये जो दरवाज़ा खुला हुआ है ये हमारा रूम है फ्रेंड्स। ये बाहर छत है और बहुत ही खूबसूरत वेदर, ओह माय गॉड फ्रेंड्स ये देखें, OMG बिल्कुल ऐसे लग रहा है हम लोग मरी आए हुए हैं। लेकिन फ्रेंड्स बारिश हो रही है तो मैं आपको मज़ीद जो है वो नहीं दिखा पाऊँगी। ये आप देख सकते हैं घर, ये छत है, बहुत ही मज़े का लग रहा है यार, इधर बैठ के कॉफ़ी या नाश्ता इधर ही ना करें। तो मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, आपको देखने में कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे वीडियो का कोई क्लिप बताया करें कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। पहले मैं फ्रंट पे आती हूँ, फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं जी। तो फ्रेंड्स ये मैं ही हूँ, इधर अच्छी आ रही है। और फ्रेंड्स पैकेजेस मॉल में कल हमारा डे बहुत अच्छा गुजर गया, और तकरीबन 5 बजे के करीब हम लोग गए, और उसके बाद जो है वहाँ हमने खाना शाना खाया, चाय पी, पिज़्ज़ा खाया, मतलब जो चीज़ें सभी लोग खाते हैं ओबियसली, लेकिन ये कि इन्जॉय के साथ जब तक खाना पीना ना हो तो मज़ा नहीं आता। वहाँ पे हमें भाई भाभी मिल गए, अचानक वाले भाई भाभी, तो उनके साथ बहुत मज़ा आया। फिर मूवी वगैरह हमने उनके साथ ही देखी। लाहौर ना इतनी बड़ी प्लेस है, यहाँ पे आपको कोई मिल जाए ना आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि यार ये अचानक इधर मिल गया मुझे ना। तो काफ़ी हमने इन्जॉय किया। रात को 11:30 वाला शो देखा था हमने, लंदन नहीं जाऊँगा, तो उसके बाद तकरीबन 2:30-3 बज गए हमें यहाँ आते हुए वापस। फिर हम लोग आके तो सोए नहीं, हम लोग बातें करते रहे। हमारी फैमिली वैसे बड़ी गप्पुस्तान रेडियो है, तो जब हम लोगों के ये इनके फेसेस रिवील होंगे ना तो आप बैठ के सुना कीजिएगा कि जो जान की गप्पें इधर उधर की, मुंह उठा के बिला वजह की बहस एक छोटी सी बात को लेके। और मैं तो नहीं करती, मुझे इतनी आदत नहीं है बहस की, लेकिन ये दो लोग करते हैं। अब जैसे कि आज जो है वो बहस हो रही थी लेयर्स जो केक्स है वो इंटरनेशनल है कि नहीं, और ऑब्वियसली एंड पे मैं ही लूज़र थी और मुझे सच में नहीं पता था। मुझे लगा कि हमारी कंट्री में होगा ये, पाकिस्तान में, मतलब इस्लामाबाद, कराची, लाइक मतलब बिग सिटीज़ में। लेकिन जब फिर उसको गूगल पे सर्च मारा तो जी पता चला कि लेयर्स जो है वो इंटरनेशनल ब्रांड है। तो मुझे पता था कि बास्किन रोबिन जो है वही इंटरनेशनल शायद ब्रांड है। उनका 1 pound का केक फ्रेंड्स 3900 का, नॉट अ बिग अमाउंट, लेकिन 69 का भी है और एक 39 वाला भी, इसी ने मुझे बताया था, मैंने तो देखा भी 69। तो उसके बाद मेरा कद्दू, मेरा टींडा, मेरी गोभी, मेरी फलियाँ, मेरा मक्खन, मेरी मलाई खड़ा है, कौन, नॉट माई हस्बैंड, माई लिटिल बेबी। तो इसका फेस अभी रिवील नहीं करना। अच्छा, उसके बाद फ्रेंड्स अब हो गई बहुत सारी मेरी सस्ती चवलें, किसी ने कहा हुआ था मुझे कमेंट में, इतनी सस्ती चवलें क्यों मारती हैं। मैंने सोचा आज मैं लेयर्स की और बास्किन रोबिन की बात करके बड़ी चवल मार देती हूँ। फ्रेंड्स इधर कैमरे का रिजल्ट क्यों नहीं अच्छा आ रहा, शायद बारिश की वजह से नहीं आ रहा। अच्छा मुझे पीछे कहाँ जा रहा है, बस करो बंद करो,
कौन से पैसे आ रहे हैं अभी, जब आएंगे फिर लंबी वीडियो बनाना। आपको हमारे रिलेटिव्स का घर कैसा लगा, आपको यहाँ पे और वीडियोस चाहिए कि नहीं चाहिए मुझे बताइएगा, कि मुझे मेरे घर में ही वीडियो बनानी चाहिए या मुझे इसी तरह लोग जो मुझे इनवाइट करते हैं उनके घर रहने जाना चाहिए और वहाँ पर जाके भी वीडियोज़ बनानी चाहिए, या फिर आपको सिर्फ मॉल्स की वीडियोज़ देखनी होती हैं, ये ना कहिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घूमती फिरती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, लफंगे मूवी देखने वाली रह गई है, तो वो भी देखने की कोशिश करेंगे। कल हम लोगों ने पता किया था, हो सकता है हम वो भी देख लेते हैं, लेकिन वो लगनी बंद हो गई सिनेमा में, कुछ समझ नहीं आई कि क्या सीन हुआ। हो सकता है कि पैकेजेस में बंद हुई हो, फोर्ट्रेस वगैरह में चल रही हो। तो कल का दिन हमारा प्लान है कि हम ज़्यादा घूमें फिरें और फिर हम लोग मतलब घर जाएंगे। एक दो ज़रूरी काम है वो हमने कर रहे हैं कल, तो मॉर्निंग में सुबह जो है वो थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, तो सुबह जल्दी उठेंगे इधर से ही और फिर वो काम करेंगे, फिर उसके बाद मॉल जाएंगे और उसके बाद मेरे चैनल पे रह गया है एक बिग सरप्राइज़ समर्स का। ये लास्ट बिग सरप्राइज़ जो आपको मिलने वाला है वो अभी नहीं बताऊंगी, उसके लिए आपको मेरी वीडियोस को देखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये हम लोग अभी खाना खाने लगे हैं, बिरयानी है साथ में, माश की दाल है साथ में, रोटी है साथ में, चिकन कढ़ाई है और साथ में और बिरयानी। नाश्ता तो हमने कर लिया था, उसकी वीडियो नहीं शेयर हो सकी है आपके साथ। अब हम लोग सारे बैठे हुए हैं, ये चार चाय के कप इधर पड़े हुए हैं, कुछ चाय उधर पड़ी हुई है, ये हमारे लिए हाई टी आई है भाई, थैंक यू सो मच। और ये पफ हैं साल्टेड, ये स्पाइसी हैं, राहत बेकरी इनके घर के पास ही है। और ये है चिकन पैटिस, ये मैंने खाया, और ये पेस्ट्री मैं चाय से पहले खाऊँगी। फ्रेंड्स, हमें लग गई बहुत ज़्यादा भूख और हमने ऑर्डर किया है मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड में आपको दिखा देती हूँ, ये लार्ज फ्राइज है, टू मच सॉल्टेड। ये बर्गर हैं, थ्री बर्गर, रात के बज रहे हैं, टाइम दिखाइएगा ज़रा, रात के बज रहे हैं 2:30। ये कैचअप्स हैं और ये चिकन के पीसीज होंगे और ये पीछे मेरी बेटी की खांसी होगी और ये साथ में कोक। तो फ्रेंड्स, मैं मील को करती हूँ एंजॉय और आप लोग भी ऑर्डर करें मैकडोनल्ड। फ्रेंड्स, ये बाहर जो है गैराज है जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनका, ये आज अभी गंदा है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है तो अभी तक जो है सफाई वगैरह नहीं हुई। ये गार्डन है, बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। आज ये गार्डनर आया हुआ था, माली जो होता है, उसने ये नीचे सारा ज़मीन तक आया हुआ था, उसको सारा सही किया है और बहुत ही खूबसूरत। मुझे तो ये घर इतना पसंद आया ना, मैप बहुत अच्छा बना हुआ है इसका। और ये ग्रीनरी, ये सारा देखिए आप, मैं अभी नीचे आई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको जो है विज़िट करवा दूं नीचे से भी थोड़ा बहुत। अंदर तो नहीं, रूम का टूर नहीं हो सकता क्योंकि बच्चे वगैरह जो हैं वो कोई किसी टाइम उठता है, कोई किसी टाइम उठता है, तो वो तो मतलब पॉसिबल नहीं था नीचे से रूम टूर करवाना। ये देखें, मुझे सबसे ज़्यादा ये नीचे तक सारा जो है ना, ये नीचे तक यूँ लटका हुआ था, तो ये आज ही जो है ना वो गार्डनर आया है इधर, नहीं तो मैंने सोचा हुआ था मैं पिक्स वगैरह बनाऊंगी। ये फ्लावर्स वैसे ही मेरे बहुत फेवरेट हैं, ये वाले ये मेरे बचपन के फ्लावर्स हैं और इनके अंदर मतलब गुस्सा आके एक गजरा सा बन जाता है इनकी टहनी के अंदर ना, तो वो मैं बचपन में बहुत करती हूँ। और ये बाहर है, बाहर चल के देखते हैं, थोड़ी सी वॉकिंग भी करते हैं साथ में ना। ये ज़रा सामने कंस्ट्रक्शन हो रही है तो ये नीचे कीचड़ वगैरह हुआ हुआ है, सामने नहीं ये साथ में कंस्ट्रक्शन हो रही है। और ये कैंट एरिया है सारा, ये देखें। और ये बाहर से जो है लुक है गेट की, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। कैंट मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, कैंट किसी भी सिटी में हो तो उसकी खूबसूरती ही एक अलग है। और उसके अलावा सफाई बहुत ज़्यादा होती है, ये कंस्ट्रक्शन की वजह से इधर गंद पड़ा हुआ, नहीं तो आप दूर तक देखो तो सारा साफ ही आपको रोड्स नज़र आएंगे और खुले खुले रोड्स हैं, बड़े मज़े के रोड्स हैं। तो इंशाल्लाह वन डे
हम भी यहाँ पे घर लेंगे इंशाल्लाह, अपना खुद का पर्सनल। तो आप दुआ में याद रखिएगा। इधर मैं आपको बड़ी मज़े की चीज़ दिखाने वाली हूँ, ये देखें, ये ट्री है, सेम ट्री है ये, और इसके नीचे से लीव्स जो हैं वो अलग हैं, और ये ऊपर तक जा रहा है, और देखिए ऊपर से ये कितना डिफरेंट है। इसके लंबे लंबे से हैं, जैसे अमरूद के दरख्त के पत्ते नहीं होते उस तरह से, और ये देखें ये कितना खूबसूरत है। मतलब एक ही ट्री पे दो तरह के डिफरेंट जो है पत्ते, वो आज मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखे। और ये देखें सीन बहुत ही खूबसूरत है, तो मैं इसको कैप्चर करने से रुक नहीं पाई। मैं यूट्यूबर हूँ, व्लॉगर हूँ, तो कोई भी खूबसूरत सीन हो तो मैं उसको कैप्चर कर लेती हूँ। फ्रेंड्स ये हैं दो बहुत ही प्यारी प्यारी बिल्लियाँ, और ये पी रही हैं दूध। बहुत ही क्यूट लग रही है दूध पीते हुए। हेलो कैटो, कैटो कैटो कैटो, पी लो पी लो पी लो पी लो। कीप वॉचिंग कुत्सिया व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।